हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजी 2 की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉलमी ARJ एंड उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। मांगा के शुरुआती पेजेस में हम वेजिटा को देखते हैं। वेजिटा लगातार अपने पावर को बढ़ाए जा रहा होता है। वेजिटा का एंगर इतना ज़्यादा होता है कि वो वेजिटा के अंदर ओजारू मोड को ऑन कर देता है। वेजिटा पावर अप करते वक्त अभी भी अपने फादर के बारे में ही सोच रहा होता है। हम देखते हैं कि वेजिटा को अपने बचपन की एक पुरानी मेमोरी याद आ रही होती है। उस मेमोरी में हम किंग वेजिटा को देखते हैं, जो कि बोलते हैं कि वो बेवकूफ़ फ्रीजा, वो बिल्कुल ही हमें एक आवारे कुत्ते की तरह ट्रीट करता है, पर मैं उसे उसके किए की सज़ा ज़रूर दूंगा। मेरे कहे हुए शब्दों को ध्यान से सुनो मेरे बेटे, हम सैयंस इस लड़ाई में कहीं ना कहीं से कमबैक करेंगे एंड ज़रूर इस फाइट को जीतेंगे। इसके बाद हमें वहाँ पर किड वेजिटा दिखता है। हम देखते हैं कि किड वेजिटा एप्पल खा रहा होता है। किड वेजिटा का ध्यान बिल्कुल भी किंग वेजिटा के बातों के ऊपर नहीं होता, जिस चीज़ को देखकर किंग वेजिटा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। किंग वेजिटा बोलते हैं कि क्या तुम मेरी बातों को सुन भी रहे हो? क्या तुम्हें सच में पता है कि आखिर तुम रियल में कौन हो? दूसरी तरफ किड वेजिटा अभी भी खा रहा होता है एंड खाते वक्त वो किंग वेजिटा से बोलता है कि मुझे नहीं पता फादर, शायद मैं एक प्रिंस हूँ या शायद एक एलिट सैयन। ये आपके ऊपर है कि आप मुझे किस टाइटल से बुलाना चाहते हो। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा, बस एक बारी तुम मुझे नापा के साथ फिर से रिजॉइन होकर ट्रेनिंग करने जाने दो, क्योंकि यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लग रहा है। इस चीज़ को सुनकर किंग वेजिटा को एकदम से गुस्सा आ जाता है। वो बोलते हैं कि आखिर तुम्हारे इस तरीके से बात करने की हिम्मत भी कैसे हुई? तुम बेवकूफ़ कह के रुको, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। तभी किंग वेजिटा अपनी उंगलियों से एक बीम अटैक करता है किड वेजिटा के ऊपर। जैसे ही वो अटैक किड वेजिटा तक पहुँचता है, वैसे ही वो अटैक एकदम से उस एप्पल को डिस्ट्रॉय कर देता है जिस एप्पल को किड वेजिटा खा रहा था। इतने खतरनाक अटैक को देख कर किड वेजिटा बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वो बोलता है कि फादर, आखिर आप ये क्या कर रहे हो? आखिर मैंने अभी क्या कर दिया? तभी किंग वेजिटा बोलते हैं कि तुम अभी यहाँ आओ। किंग वेजिटा बोलते हैं कि मैंने बस तुमसे ये पूछा था कि आखिर तुम क्या हो, और तुमने मुझे जवाब में वो सब कुछ कहा, पर वो नहीं कहा जो तुम रियल में हो। तुम प्रिंस वेजिटा द फोर्थ हो। तुम एक ऐसे सैयन हो जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पावर लेवल के साथ पैदा हुआ है। तुम सैयंस के लेजेंड हो, वो लेजेंड जो हमारे लोगों को आगे बढ़ाएगा, हमारे लोगों को लीड करेगा एंड साथ ही में इस यूनिवर्स में राज करेगा। तभी किड वेजिटा बोलते हैं कि क्या मैं कौन हूँ? इसके बाद किंग वेजिटा गुस्से में बोलते हैं कि हाँ बेटे, तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसा मैं हमेशा सबसे कहता रहता हूँ। तुम हम सबसे ऊपर हो मेरे बेटे, बल्कि आज तक जितने भी वॉरियर रेस एग्जिस्टेंस में है, तुम उन सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। तुम्हारे अंदर अनलिमिटेड ताकत है। लेजेंडरी सुपर सैयन की कहानियाँ, ये तो बस शुरुआत थी हमारे रेस की। या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि तुम जिस चीज़ के केपेबल हो, ना ही मैं और ना ही मेरे प्लेनेट के लोग अभी तक अपने फुल पोटेंशियल तक पहुँचे हैं, पर तुम बिल्कुल अलग हो। इतने कम एज में तुमने सबसे ग्रेट एलिट वॉरियर्स को भी पीछे कर दिया है। तुम ना तो गॉड्स एंड ना ही तो फ्रीजा के सामने सिर झुकाने के लिए तैयार थे। मुझे पता है कि तुम अपने ही अंदर सैयन के ट्रू पावर को निकालने में कामयाब होगे, और जैसे ही तुम ऐसा करोगे, तुम्हारा मुकाबला कोई भी नहीं कर पाएगा। इस बात को भूलना मत, तुम्हारे फादर हमेशा ही तुमसे ये बात कहते रहते हैं। तभी हम वेजिटा को देखते हैं। वेजिटा बोलते हैं कि हाँ, मुझे याद आ गया फादर। हम देखते हैं कि वेजिटा की आँखें पूरी तरीके से रेड हो चुकी होती है, पर हम देखते हैं कि वेजिटा के आईब्रोज नहीं होते। इसका मतलब यह है कि वेजिटा अभी भी अपने अल्ट्रा ईगो फॉर्म में ही है। हम देखते हैं कि वेजिटा का ट्रांसफॉर्मेशन अभी भी नहीं खत्म हुआ होता। वेजिटा धीरे धीरे अभी भी ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है। वेजिटा की ताकत लगातार बढ़ती ही जा रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा शोर से चिल्लाता है। इस वक्त तक वेजिटा का चेहरा बिल्कुल ही ओजारू की तरह लग रहा होता है। जैसे ही वेजिटा शांत होता है, हम देखते हैं कि वेजिटा के पीछे टेल आ चुका होता है एंड देखने भर से ऐसा लग रहा होता है कि वेजिटा ने अपने अल्ट्रा ईगो फॉर्म के साथ ओजारू की ताकत को मिला दिया होता है। इसके बाद हम वेजिटा का चेहरा देखते हैं। अब देखते हैं कि वेजिटा की आंखें अभी भी रेड होती है। वेजिटा बोलता है कि फादर, क्या आपका मतलब यही था?
वेजिटा के चारों तरफ इलेक्ट्रिक स्पार्क होते हैं, जिस तरीके से सुपर सैयन 2 फॉर्म में होता है। किंग वेजिटा बोलते हैं कि वेजिटा, ये फॉर्म तो वेजिटो ने मुझे नहीं दिखाया था। मेरे बेटे, आखिर तुमने किस तरीके के ताकत को पा लिया है? वेजिटा के इस खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर डीमन किंग भी डर जाता है। डीमन किंग अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि मेरे से बड़ा शैतान इधर कौन है? इस शख्स को हमें रोकना ही होगा किसी तरीके से। मैं इस पागल को अभी और इसी वक्त रोक कर रहूंगा। तुम्हें मेरे बेटे के ऊपर दूसरी बार हाथ उठाने का मैं मौका नहीं दूंगा। तभी हम देखते हैं कि वो डीमन किंग एकदम से अपना हाथ आसमान की तरफ कर देता है। हम देखते हैं कि उस डीमन किंग ने अपने हाथ के ऊपर एक तरीके का एनर्जी बॉम्ब बना लिया होता है, एंड वो ये डार्क एनर्जी बॉम्ब शूट करने वाला होता है वेजिटा एंड उसके फादर के ऊपर। इस चीज़ को देखकर डीमन ताइसा बोलता है कि फादर, आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तब तक हम देखते हैं कि वो डीमन उस अटैक को शूट कर चुका होता है वेजिटा के ऊपर। वो अटैक काफ़ी तेज़ी से वेजिटा की तरफ जा रहा होता है, वहीं पर दूसरी तरफ वेजिटा बिल्कुल शांत खड़ा हुआ होता है। एंड इसके दूसरे ही पेज में हम देखते हैं कि वो अटैक जाकर वेजिटा से टकरा जाता है। जैसे ही वो अटैक जाकर वेजिटा से टकराता है, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट को देखकर डीमन किंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। डीमन किंग बोलता है कि मैंने एक ही बार में दोनों को ख़त्म कर दिया। और जैसे जैसे ब्लास्ट का इम्पैक्ट ख़त्म होता है, वैसे वैसे हमें उस जगह पर दो आँखें दिखती है। धुएँ के बीच ये दोनों आँखें चमक रही होती है। इन रेड आइज को देखकर वो डीमन किंग समझ गया रहता है कि वेजिटा मरा नहीं है। डीमन किंग बोलता है कि आखिर तुम बच कैसे गए? तभी हम देखते हैं कि डीमन किंग की आंखें एकदम से लाइफलेस होने लग जाती है, एंड वो बोलते हैं कि तुम। इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें पता चलता है कि वेजिटा ने एक ज़बरदस्त पंच मार दिया होता है डीमन किंग को, एंड वेजिटा के सिर्फ एक ही पंच ने डीमन किंग की हालत ख़राब कर दी होती है। वेजिटा बोलता है कि क्या तुम्हें ये अच्छा लगा डीमन किंग? अभी तो ये तुम्हारे साथ हुआ है, तुमको तो ये अच्छा लगना चाहिए। जैसे ही वेजिटा का ये सेंटेंस ख़त्म होता है, वैसे ही वेजिटा अपने एक हाथ में ब्लेड बना लेता है। वेजिटा के ब्लेड बनाते ही वेजिटा एक ही पल में उस ब्लेड से अटैक कर देता है डीमन किंग के ऊपर। वेजिटा एक ही बार में उस डीमन किंग के दो टुकड़े कर देता है। एक ही बार में वेजिटा उस डीमन किंग का किस्सा ही खलास कर देता है। इस चीज़ को देखकर ताइजा एकदम से हैरान रह जाता है। ताइजा को विश्वास नहीं हो रहा होता कि वेजिटा ने उसके फादर को उसकी ही आंखों के सामने मार दिया है। ताइजा बोलता है कि फादर। दूसरी तरफ डीमन किंग अभी भी अपने बेटे से मदद मांग रहे होते हैं। उनके आखिरी शब्द होते हैं, बचा लो मुझे ताइजा। वेजिटा ने डीमन किंग को इतने बुरी तरीके से काटा होता है कि डीमन किंग का तो हार्ट भी बाहर आ चुका होता है। पर हम देखते हैं कि वेजिटा यहाँ पर ही नहीं रुकता। वेजिटा बोलता है कि मैं इस चीज़ को ले लेता हूँ। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा एकदम से उस डीमन किंग के हार्ट को अपने हाथों से ग्रैब कर लेता है। जैसे ही वेजिटा डीमन किंग के हार्ट को अपने हाथ से ग्रैब करता है, वैसे ही वेजिटा उस डीमन किंग के हार्ट को खाने लग जाता है। वेजिटा बहुत ही मज़े से उस डीमन किंग के हार्ट को खा रहा होता है। वेजिटा बोलता है कि इंटरेस्टिंग, तो एक कमज़ोर का टेस्ट ऐसा होता है। वेजिटा को इस तरीके की चीज़ को करता देख ताइजा एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ताइजा के जमे हुए इमोशंस एकदम से बाहर आने लग जाते हैं। ताइजा बोलता है कि तुम, आखिर तुमने ये क्या कर दिया? क्या तुम जानते भी हो कि तुमने क्या किया? वेजिटा को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता ताइजा के इन सब बातों का। तभी हम देखते हैं कि ताइजा का गुस्सा एकदम से फट पड़ता है। ताइजा बोलता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। जैसे ही ताइजा ऐसा बोलता है, ताइजा का भी बीस्ट मोड ऑन हो जाता है। ताइजा के अंदर भी जो शैतान छुपा हुआ था, वो भी अब बाहर आने वाला होता है। फादर के मौत का इमोशन एनर्जी के फॉर्म में बाहर आ रहा होता है, जिसके वजह से ताइजा के आसपास का ऑरा बिल्कुल ही बदल गया रहता है। ताइजा का एनर्जी ऑरा इतना ज़्यादा होता है कि वो तो वेजिटा तक भी पहुंच चुका होता है। पर इतने खतरनाक ऑरा को देखने के बावजूद वेजिटा को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वेजिटा अभी भी बिल्कुल शांत खड़ा हुआ होता है। वहीं पर डीमन ताइजा धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है। डीमन ताइजा का बॉडी एकदम से बल्की होने लग जाता है। उसके छुपे हुए मसल्स एकदम से बाहर आ जाते हैं, एंड साथ में उसका शरीर भी बड़ा होने लग जाता है। ताइजा के बॉडी का स्ट्रक्चर भी धीरे धीरे बदल रहा होता है। एंड लास्ट एंड फाइनल हम ये देखते हैं कि ताइजा की भी तीसरी आंख होती है। इस आंख का कलर भी रेड होता है, एंड ये भी फोरहेड के बीच में ही होता है। जैसे ही ताइजा का फुल ट्रांसफॉर्मेशन कम्प्लीट होता है, वैसे ही हम देखते हैं कि ताइजा का साइज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया रहता है, जिसके वजह से ताइजा का फुल पैंट अब हाफ पैंट बन चुका होता है।
इसके बाद हम ताइजा के फेस को देखते हैं, पर ताइजा को देखकर ऐसा नहीं लग रहा होता कि ताइजा यंग डीमन एम्परर है। ताइजा बोलता है कि फादर, मैं उसके सोल को लूसिफ को डिलीवर करूँगा, वो भी ऑनर के साथ, पर आप मुझे माफ़ कर देना, मैंने कुछ ज़्यादा ही समय ले लिया इन कीड़ों को हराने के लिए। वेजिटा बोलता है कि लूसिफ, और अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो तुम करो, इससे मुझे लूसिफ को ढूंढना नहीं पड़ेगा। और क्या मुझे तुम्हारे इस फॉर्म को देखकर अभी डरना चाहिए था? इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर तुम बस मोटे ही हुए हो, इससे ज़्यादा तुमने और कुछ भी नहीं किया है, और तुम्हें इस फॉर्म में देखकर मुझे तुम्हारे फादर की थोड़ी थोड़ी याद आ रही है। तभी ताइजा बोलता है कि तुम मेरे फादर का नाम अपने मुंह से ना ही लो तो अच्छा होगा। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा एकदम से अपने हाथ से उस हार्ट को कुचल देता है। वेजिटा बोलता है कि लो, मैंने मुंह से बाहर निकाल दिया, पर मुझे लगता है कि मैंने ये करने में थोड़ा देर कर दिया है, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? तुम्हारे फादर का टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा बेकार था, शायद तुम्हारा टेस्ट उनसे बेहतर हो। इस चीज़ को देखकर ताइजा को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, एंड ताइजा काफ़ी तेज़ी से वेजिटा की तरफ जा रहा होता है। दूसरी तरफ वेजिटा ताइजा के आने का वेट कर रहा होता है। वेजिटा बोलता है कि अब आओ भी बच्चे, अपने नए बाप के पास आओ। जैसे ही ताइजा वेजिटा तक पहुंचता है, वैसे ही ताइजा एक अटैक कर देता है वेजिटा के ऊपर, पर वेजिटा उस अटैक को काफ़ी आसानी से डॉच कर देता है। वेजिटा के इस अटैक के डॉच करते ही वेजिटा एक ज़बरदस्त अटैक कर देता है ताइजा के ऊपर। हम देखते हैं कि ताइजा के रिएक्ट करने से पहले ही वेजिटा ने एक ज़बरदस्त किक मार दिया होता है ताइजा के चेहरे के ऊपर। उस ज़बरदस्त किक को खाते ही ताइजा एकदम से वेजिटा के पाँव को पकड़ लेता है। ताइजा बोलता है कि एक बारी मैं तुम्हारे सोल को ले लूँ तो तुम्हारे चेहरे पर वो हंसी एकदम से गायब हो जाएगी। तभी ताइजा एकदम से वेजिटा के पाँव को पकड़ कर ज़मीन पर पटक देता है। वेजिटा सीधा जाकर ज़मीन से टकराता है एंड एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ताइजा बोलता है कि फादर, मैं आपके मौत का बदला ज़रूर लूँगा, मैं अब पूरी तरीके से समझ चुका हूँ कि आप मुझे क्या सिखाने की कोशिश करते थे। तभी ताइजा के पीछे से आवाज़ आती है, वो आवाज़ बोलती है कि क्या तुमने वो सब कुछ सीखा जो तुम्हारे फादर सिखाना चाहते थे? क्या उन्होंने तुम्हें ये नहीं सिखाया था कि मॉडल को अंडर एस्टिमेट मत करना? ताइजा के पीछे वेजिटा आ चुका होता है। इस चीज़ का एहसास ताइजा को हो जाता है, जिसके वजह से ताइजा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा एक ज़बरदस्त अटैक कर देता है ताइजा के ऊपर। जैसे ही वो अटैक ताइजा को लगता है, वैसे ही ताइजा एकदम से ज़मीन पर जाकर गिरता है। वेजिटा को इस फाइट को डोमिनेट करता देख ताइजा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। ताइजा बोलता है कि बस अब बहुत हो गया। तभी हम देखते हैं कि ताइजा की तीसरी आंख एकदम से चमकने लग जाती है। उस तीसरी आंख से एनर्जी निकल रही होती है हर डायरेक्शन में। इस चीज़ को देखकर वेजिटा भी थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है, एंड हम देखते हैं कि वेजिटा के पीछे एक आंख आ चुका होता है। तभी इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि वेजिटा कोई डार्क प्लेस पे चला गया रहता है। वेजिटा बोलता है कि आखिर उस बच्चे ने अभी क्या किया मेरे साथ, आखिर मैं अभी कहाँ पर हूँ, बेवकूफ़ डीमन एम्परर कहीं के। इसके बाद हमें देखता है कि वेजिटा के चारों तरफ सिर्फ आंखें ही आंखें होती है। इसके नेक्स्ट पेजेस में वो सारी आंखें एक जायंट मॉन्स्टर का शेप ले लेती है, एंड वो काफ़ी तेज़ी से वेजिटा की तरफ आ रही होती है। वो वेजिटा को ग्रैब करने की कोशिश कर रही होती है। वेजिटा बोलता है कि ये तो काफ़ी प्यारा है, इस तरीके की चीज़ का सामना मैं पहले भी कर चुका हूँ, मडारा ऐसा किया करता था। रियलिटी में हम देखते हैं कि ताइजा एंड वेजिटा एक जगह पर बिल्कुल शांत खड़े हुए होते हैं। ताइजा बोलता है कि तुम तो काफ़ी सीधे किस्म के बेवकूफ़ इंसान हो, डीमंस का पावर सिर्फ फिजिकल तक ही नहीं है, बल्कि डीमंस का पावर फिजिकल चीज़ों के भी बियॉन्ड जाता है। मॉर्टल, तुम यहाँ पर रियल में मरने से पहले अपने माइंड के अंदर मर जाओगे। जैसे ही ये सेंटेंस ताइजा का ख़त्म होता है, वैसे हम देखते हैं कि ताइजा कुछ नोटिस करता है। ताइजा बोलता है कि क्या? तभी हम देखते हैं कि ताइजा के फोरहेड के बीच से वेजिटा का हाथ बाहर आता है, एंड इस हाथ ने ताइजा के तीसरे आँख के टुकड़े टुकड़े कर दिए होते हैं। ताइजा बोलता है कि आखिर ये कैसे हुआ? जैसे वेजिटा ऐसा करता है, वैसे ही हम देखते हैं कि ताइजा के फोरहेड से काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा होता है। तभी वहाँ पर रियल में वेजिटा आ जाता है। वेजिटा ताइजा के इल्यूजन से बाहर आ चुका होता है। ताइजा बोलता है कि आखिर तुम कौन हो, क्या तुम कोई हायर लेवल के गॉड हो? तभी हम देखते हैं कि वेजिटा एकदम से एक और अटैक कर देता है ताइजा के ऊपर। वेजिटा का ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि ताइजा सीधा जाकर ज़मीन पर गिर जाता है। वेजिटा बोलता है कि नहीं, मैं कोई बेवकूफ़ सीधा किस्म का इंसान नहीं हूँ,
तभी हम देखते हैं कि वेजिटा जमीन पर पड़े हुए ताइजा के ऊपर अपने पैरों से अटैक कर देता है एंड इसके बाद वेजिटा एकदम से ताइजा को अपने हाथों से उठाता है। इस वक्त तक हम देखते हैं कि वेजिटा भी अपने बेस फॉर्म में आ चुका होता है। दूसरी तरफ ताइजा भी अपने बेस फॉर्म में आ चुका होता है। वेजिटा बोलता है कि इससे पहले कि मैं तुम्हें तुम्हारे फादर के पास पहुंचा दूं, उससे पहले तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। अगर तुम ये बता देते हो तो तुम्हें मैं बिना दर्द की मौत दूंगा, ये मैं तुमसे वादा करता हूँ। तभी वेजिटा के कंधे पर कोई तो आकर हाथ रखता है। जैसे ही वेजिटा पीछे मुड़कर देखता है, वेजिटा देखता है कि ये तो किंग वेजिटा है। किंग वेजिटा बोलता है कि हाँ, अब तुम मुझे बताओ भी आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो बच्चे। इसके बाद सीन चेंज होता है एंड हम लुकआउट में वापस आ जाते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर जी फोरियस इंतज़ार कर रहे होते हैं गोकू, वेजिटा एंड पिकोलो का। टियन बोलता है कि आखिर हम लोग कब तक यहाँ पर इंतज़ार करते रहेंगे, मुझे लगता है कि हमें फाइट करना चाहिए एंड हमारे प्लेनेट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। पता नहीं गोकू कब आएगा और हमें यह भी नहीं पता कि उसके वापस आने में कितना टाइम लगेगा, और हम सबको पता है कि गोकू टाइम का पक्का नहीं है। तभी इस चीज़ को सुनकर गुहान बोलता है कि टियन तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें नहीं पता कि मेरे डैड कब आएंगे, पर उन्होंने हमसे कहा था कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी हमें यह पता लगाना होगा कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। वहाँ पर नीचे वो सारे सैयंस इन चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं और आफ्टर ऑल वो सारे सैयंस सुपर सैयन है, तो उन डीमंस का तो कोई चांस ही नहीं है उनके सामने जीतने का। और मैं इस चीज़ को भी सेंस कर पा रहा हूँ कि उन सैयंस में से एक भी सैयन को अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है। तभी टियन बोलता है कि इसी चीज़ की तो चिंता है मुझे गुहान, इस सैयन आर्मी के बारे में हम लोग कुछ भी नहीं जानते हैं, जो मुझे एक और रीज़न देता है नीचे जाकर सारे लोगों की मदद करने के लिए। आखिरी बारी जब सैयंस हमारे प्लेनेट पर आए थे तब उन्होंने काफ़ी कुछ किया था एंड अंत बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा था। गोकू और वेजिटा की बात अलग है, पर मैं इन सैयंस के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता और शायद हम किसी को नहीं करना चाहिए। तभी वहाँ पर बार्डोक हंसते हुए बोलता है कि शांत रहो तीन आंख वाले, मुझे नहीं पता कि इस टाइमलाइन के सैयंस ने तुम लोगों के साथ क्या किया था तुम्हारे टाइमलाइन में, पर हमारे टाइमलाइन में एक बार ही जब वेजिटो ने फ्रीजा को ख़त्म कर दिया, वैसे ही हम सैयंस ने ये फैसला किया कि हम सैयंस कमज़ोरों की रक्षा करेंगे और यूनिवर्स के ऑर्डर को मेनटेन रखेंगे। एक प्लेनेट वो भी सुपर सैयन से भरा हुआ, ये कोई खेल नहीं है, पर सुपर पावर्स के साथ आती है ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और हम सैयंस इस चीज़ को समझते हैं, इसलिए तुम्हें चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एस्पेशली तब जब मैं हूँ यहाँ पर। जैसे ही बार्डोक का ये सेंटेंस ख़त्म होता है वैसे ही वहाँ पर गोकू एंड पिकोलो आ जाते हैं। गोकू को देखकर गोटेन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। गोटेन बोलता है कि डैड तुम वापस आ गए। गोकू बोलता है कि देरी के लिए माफ़ करना, मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ कि इस देरी के पीछे भी एक अच्छा कारण है। तभी हम देखते हैं कि गोकू का चेहरा एकदम से सीरियस हो जाता है। गोकू बोलता है कि टाइम निकलता जा रहा है, मुझे काफ़ी सारी चीज़ें मिली है एंड काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में मैंने पता किया है, और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी इस चीज़ को सुनो। तभी इसके बाद थोड़ा सा टाइम बीत जाता है एंड गोकू सभी चीज़ों को एक्सप्लेन कर देता है। गोकू बोलता है कि तो अभी इस वक्त हम यहाँ पर है, ये थी पूरी कहानी, तो सिर्फ अर्थ ही हमारी प्रायोरिटी नहीं है, बाकी बचे हुए 11 यूनिवर्सेस भी हमारी प्रायोरिटी है। हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर हर जगह मौजूद होने चाहिए, ना कि सिर्फ यहाँ पर अर्थ पर ही। तभी गुहान बोलता है कि मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ डैड, आखिर इस तरीके की चीज़ कौन करता है, आखिर वो किस तरीके का बुरा शख्स है। तभी डैंडे बोलता है कि लूसिफ कोई शख्स नहीं है गुहान, लूसिफ अपने आप में ही एक बुराई है, और इस तरीके के बुरे इंसान से मैं इससे कम उम्मीद भी नहीं कर सकता, पर आखिर हम इस तरीके से कैसे प्लैनेटों को बचा सकते हैं। सिर्फ एक यूनिवर्स में ही शायद 100 से ज़्यादा प्लैनेट होंगे जहाँ पर पावरफुल लोग एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पर लाइफ मौजूद है, और इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर 11 यूनिवर्सेस है, मतलब 1000 से भी ज़्यादा प्लैनेट। आखिर हम इन चीज़ों को हैंडल कैसे करेंगे गोकू? गोकू बोलता है कि हम उस तोहफे को नहीं भूल सकते जो वीस हमें जाते जाते देकर गया था। तभी हम देखते हैं कि गोकू एकदम से वीस के स्टिक को समन करता है। गोकू एकदम से वीस के स्टिक को ग्रैप करता है। गोकू बोलता है कि इस स्टिक की मदद से हम पहले भी ट्रैवल कर चुके हैं एंड हम अब भी करेंगे, हम लूसिफ के प्लान को हमेशा के लिए रोक के रख देंगे। गोकू बोलता है कि अभी के लिए हम जितना हो सके उतने प्लैनेट को प्रोटेक्शन देने की कोशिश करेंगे,
मैं शायद अपने आप को ओवर एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर पिकोलो ये पहले भी देख चुका है। गोकू बोलता है कि मेरे अंदर अब इतनी ताकत है कि मैं अपने आप को हजारों टुकड़ों में स्प्लिट कर सकता हूँ। मैं अभी टीएन के मल्टीफॉर्म टेक्निक को यूज़ करने जा रहा हूँ, और साथ ही में मैंने ये भी देखा है कि एक डीमन एम्परर कितना ज़्यादा ताकतवर हो सकता है, और उस पावर लेवल के शख्स बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। और पिकोलो ने मुझे ये बताया कि वो डीमन किंग के साथ लड़ चुका है, जो कि डीमन एम्परर से कम ताकतवर है, जिनका मुकाबला मैं कर सकता हूँ। और जब मेरा सामना किसी डीमन एम्परर से होगा, तब मैं तुम लोगों को बुला लूँगा बैकअप के लिए, ताकि मैं अपने मल्टीफॉर्म के अमाउंट को कम कर सकूँ एंड अपने ताकत को बढ़ा सकूँ। वेजिटा भी इस तरीके की चीज़ को कर सकता है, बट प्रॉब्लम यह है कि वेजिटा को नहीं आता ये टेक्निक। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वेजिटा एंड किंग वेजिटा पहुँच जाते हैं। वेजिटा बोलते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं उस टेक्निक को नहीं कर सकता हूँ, पर मेरे पास उससे अच्छी टेक्निक है बेवकूफ़। मुझे पता है कि क्लोन्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, पर मैंने ये टेक्निक याड्रियन से सीखा है, और साथ ही में मुझे जाइगेंटिफिकेशन भी आता है। ये मत भूलना कैकरोट कि प्लैनेट याड्रियन से मैसिव इंस्टेंट ट्रांसमिशन ही नहीं सीखा हूँ, बल्कि मैंने वहाँ पर वर्क किया और भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, जैसे कि स्पिरिट कंट्रोल। गोकू ये सुनकर खुश हो जाता है। गोकू बोलता है कि तो हमारा प्लान वर्क करेगा। तभी हम देखते हैं कि गोकू किसी चीज़ को सेंस करता है। इसके बाद हम अर्थ के सरफेस पे क्या चल रहा है वहाँ पर चले जाते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर 4 सुपर सैयंस होते हैं एंड वो भी किसी चीज़ को नोटिस करते हैं। हम देखते हैं कि एक डार्क पोर्टल से एक डीमन एम्परर बाहर आता है, एंड ये वो डीमन एम्परर होता है जिसको प्लैनेट अर्थ को कब्जा करने के लिए भेजा गया है, पर सुपर सैयंस को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। हम देखते हैं कि वो चारों सैयंस काफ़ी तेज़ी से उस डीमन एम्परर की तरफ जा रहे होते हैं। इसके बाद उस डीमन एम्परर का चेहरा रिवील होता है। ये बाकी सारे डीमन्स की तरह नहीं लग रहा होता। उन सैयंस को अपनी तरफ आता देख वो डीमन बोलता है कि अब मरो। जैसे ही वो डीमन ऐसा बोलता है, वैसे ही हम देखते हैं कि उन चारों सैयंस के सिर एकदम से फट जाते हैं बीच से। बहुत ही बुरी तरीके से उस डीमन ने उन चारों सैयंस को मार दिया होता है। इस चीज़ का एहसास लुकआउट में रहने वाले सारे सी वॉरियर्स को हो जाता है। सभी के सभी सी वॉरियर्स इवन गोकू एंड वेजिटा भी शॉक रह जाते हैं। गोकू बोलता है कि मुझसे देर हो गई, मुझे याद नहीं था कि प्लैनेट अर्थ पे कोई डीमन एम्परर या फिर कोई डीमन किंग नहीं आया था। सबसे पहले तो हमें इसे हैंडल करना होगा, और इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तभी वहाँ पर गोकू को एक आवाज़ आती है एंड वो आवाज़ बोलती है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है बच्चे, हम अभी यहाँ पर है। क्या हमने सही कहा गोहान? ये आवाज़ और किसी की नहीं, ये आवाज़ होती है बारडॉक की। बारडॉक गोहान के कंधे पर हाथ रखता है, एंड अब शायद गोहान एंड बारडॉक की बारी आ चुकी है। एंड इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद क्या हुआ ये हम तब जानेंगे जब इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा। तब तक के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू, टेक केयर।